इंदौर का सराफा बाजार अपने खान पान के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहाँ खान पान की बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसका दीवाना हर कोई है। आजकल इंदौर की सराफा चौपाटी में ब्लूम या नोनियन डिश आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसे खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। ब्लूमिंग ओनियन डिश धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर होने लगी है, जिसे देखकर दूसरे शहर के लोग भी उसके स्वाद को चखने के लिए अपने इंदौर टूर के दौरान सराफा चौपाटी पहुंच रहे हैं। यूँ तो सराफा चौपाटी में बहुत सारी खाने की डिश मिलती हैं, पर ब्लूमिंग ओनियन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। आपको बता दें, यह डिश श्री अन्नपूर्णा ब्लूमिंग ओनियन की दुकान पर मिलती है, जिस दुकान पर बाकायदा ब्लूमिंग ओनियन फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया भी लिखा हुआ है। दुकान में ब्लूमिंग ओनियन डिश का लुत्फ उठाने आए मुंबई के कनिष्का और अक्षत ने बताया कि हम दुकान में पहली बार ही ब्लूमिंग ओनियन डिश खाने आए हैं। हमने इंस्टाग्राम पर इसकी रील देखी थी और तभी हमने सोच लिया था कि हम जरूर इस दुकान पर जाकर इस डिश का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यह क्रिस्पी और फ्लेवरफुल है। दुकान के संचालक विनोद यादव ने बताया कि मैं फूड इंडस्ट्री से आता हूँ, इस कारण से मैं फूड में लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। उन्होंने बताया कि सेंट्रल इंडिया में ब्लूमिंग ओनियन का यह पहला आउटलेट है। उन्होंने बताया कि इस डिश को इंदौर में शुरू किए हुए कई महीने हो चुके हैं और इन महीनों में हमें लोगों का काफ़ी प्यार मिला है। उन्होंने बताया कि हमारे पास इस डिश की कई सारे फ्लेवर हैं। यह डिश 100 रुपये से शुरू होती है, जो 130 और 150 रुपए तक भी मिलती है। कहाँ से आए हो आप? मैं मुंबई से। मुंबई से आए? जी। स्पेशल ये रील देखते इस दुकान की। अच्छा, एक बार नाम बताइएगा। कनिष्का। ठीक है, एक बार आप ही नाम बताइएगा। अक्षत। ठीक है, धन्यवाद। ये जो ब्लूमिंग ओनियन का आइडिया लेके आए हैं, ये आइडिया कब आया, कैसे आया और अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए सर, रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा मिल रहा है और बेसिकली मेरा क्या केटरिंग का बिजनेस है और फूड इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों के लिए घूमता ही रहता हूँ। हाँ। मैंने कहीं देखा और सेंट्रल इंडिया में पहला ही आउटलेट है। अच्छा। हाँ, ब्लूमिंग ऑनियन का। अच्छा, तो इसको कितना टाइम हो गया आपने को ये शुरू किया? सर अराउंड 2 मंथ्स हो गए। अच्छा, अभी कैसा रिस्पॉन्स है? सर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। रील देख के भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। मतलब वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, सब दूर से आते हैं। कॉस्ट क्या रहता है इसका? सर कॉस्ट तो सबके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है, सबके सब फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कौन कौन से फ्लेवर है आपके पास? सर पेरी पेरी है, तंदूरी है, अगर मिक्स फ्लेवर देते हैं हम लोग वैसे। रेट कितने से शुरू होता है और कितने तक है? रेट 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, कितने तक जाता है ये? मैक्सिमम 100 रुपीज़ से 120-150 रुपये तक जाता है। अच्छा, इसकी विशेष बात क्या है? मतलब सर ये बहुत ये नजरिए से देखिए, ये क्या अनियन है सर, सैलड में यूज़ होता है। हाँ। और ये तो पूरा पानी है। ठीक है, इसको खाने से कोई नुकसान है नहीं। ठीक है, ऐसे सैलड आप खा सकते हैं उसको। हाँ। और कुछ इसमें ऐसा कुछ यूज़ भी नहीं होता है, नॉर्मल मसाले, ब्रेड क्रम्स और क्रीम और कर्ड का मैरिनेट यूज़ होता है। मतलब सेहत की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। हाँ। ठीक है, एक बार नाम बताइए। विनोद यादव। आप दुकान के ओनर हैं? हाँ जी। ठीक है, एक बार दुकान का नाम बताइए। श्री अन्नपूर्णा ब्लूमिंग अनियन। टेस्ट करिए, करके बताइए कैसे है। बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्पी है, फ्लेवरफुल एंड टेस्ट इज वेरी नाइस। तो पहली बार खा रहे हैं या पहले भी कभी खाया है? पहली बार है। हाँ, तो ये इसकी जानकारी कहाँ से हुई? इंस्टाग्राम रील्स। अच्छा, पॉपुलरिटी देख के आए क्या जी? हाँ। अच्छा, आप भी खा के देखिए, बहुत अच्छा। जैसा सोच के आए थे वैसा टेस्ट है? उससे अच्छा है। उससे अच्छा, ओके ठीक है।